नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं MA फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान को पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हृदय रोग से संबंधित है यह प्रश्न। और इसमें हृदय रोग की बीमारी होने पर हम आहार का नियोजन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इसमें बताते हैं या पढ़ाते हैं। जैसे प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है, हृदय रोग किसे कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस के आहार नियोजन के बारे में लिखिए। उत्तर है, हृदय की मांसपेशियों का स्वास्थ्य पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों में के प्राप्त होने पर निर्भर करता है। कुपोषित व्यक्तियों में हृदय की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं। हृदय की रक्त ले जाने वाली तथा रक्त में ले आने वाली धमनियां हृदय के बल्ब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हृदय का कार्य प्रभावित होता है। इस स्थिति को हृदय रोग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा हृदय रोग किसे कहते हैं। अब नंबर 1 हृदय रोग है एथेरोस्क्लेरोसिस हृदय रोग। इसमें आहार का हम आयोजन कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एथेरोस्क्लेरोसिस हृदय रोग आहार में वसा की कमी अधिक मात्रा लेने से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें एथेर शब्द का अर्थ होता है दलिया जैसा तथा स्क्लेरोसिस का अर्थ होता है कठोर से है। इस बीमारी की दशा में रक्त धमनियों के आंतरिक झिल्ली कड़ी हो जाती है। झिल्ली का कड़ा होना वसा के जमाव के कारण होता है। रक्त धमनियों की आंतरिक सतह पर पीले रंग के वसा युक्त पदार्थ संयोजक तंतुओं में जम जाते हैं। इनमें अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी दूसरी अवस्था में ये पदार्थ रेशे युक्त बन जाते हैं। इसमें वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, रक्त तथा के कण पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने के कारण रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरी अवस्था में ये पदार्थ कोमल बन जाते हैं, लेकिन घाव बनकर पूरी धमनी की आकृति को खराब कर देते हैं, जिसके कारण धमनी कुछ चपटी सी दिखाई पड़ती है। घाव के निचले हिस्से में रेशे व कैल्शियम होते हैं। इन घावों में लगातार रक्त स्त्राव भी होता रहता है। थ्रोम्बोसिस या धमनी के मार्ग में रुकावट के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर थ्रोम्बोसिस और धमनी के मार्ग में रुकावट के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि घाव से रक्त स्त्राव रुकने पर रक्त का थक्का बन जाता है और कभी कभी धमनियों के मार्ग में थक्का जमकर रुकावट बना देता है। रक्त पूरी तरह प्रवाह के साथ हृदय तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में हृदय को पूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती तथा उसकी गति प्रभावित होती है। यदि यह थक्का आकार में छोटा होता है तो धमनियों में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता रहता है और हृदय धीमी गति से कार्य करता है। लेकिन यदि रक्त का थक्का मस्तिष्क की धमनियों में रुक जाता है तो मस्तिष्क में रक्त स्राव होकर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और फिर आगे देखते हैं दोस्तों, धमनियां हृदय को प्रत्येक धड़कन के साथ संकुचित व विमुक्त होती रहती हैं, क्योंकि इनमें लचीलापन ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब किसी कारण से इनके लचीलेपन में कमी आ जाती है, जैसे सामान्य तंतुओं के स्थान पर रेशे युक्त तंतुओं के जमा हो जाने से नालिकाओं की आंतरिक आकृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, या फिर धमनियों से चोट लगने से रक्त का थक्का बन जाने के कारण वह धमनियों की दीवार पर चिपका रहता है, उससे संयोजक तंतुओं का जाल बन जाता है और उसके चारों तरफ वसा जम होने लगती है, जिससे धमनियों का आकार संकरा होने लगता है। इस अवस्था को एंजाइमा पेक्टोरिस कहते हैं। यही दशा गंभीर स्थिति में पहुंचने पर इसमें एक हार्ट डिजीज जैसे IES इसमें हार्ट डिजीज कहलाती है, कॉर्निया हार्ट डिजीज कहलाती है। और कभी कभी रक्त धमनियों में रक्त के जमे हुए टुकड़े भी पाए जाते हैं, जो कि रक्तस्राव के बाद होते हैं। कोरोनरी वेसल में रुकावट की स्थिति को कोरोनरी
अक्लूजन भी कहा जाता है। इसकी गंभीर अवस्था में ही कोरोनरी इन्फार्क्शन कहलाती है। इसके बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे है रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखते हैं आहार द्वारा उपचार करना। हम रोगी को कैसा आहार देंगे और कैसे हम आहार देंगे कि उसकी बीमारी जल्दी ही ठीक हो सके। आइए दोस्तों आगे देखते हैं आहार द्वारा उपचार। एथेरोल स्क्लेरोसिस तथा अन्य हृदय रोगी से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। नंबर एक, कैलोरीज। आहार में कैलोरीज की मात्रा आवश्यकता के अनुसार ही होनी चाहिए। इन रोगों में अधिक वजन वाले रोगियों को अपना वजन कम करने की आवश्यकता होती है, अतः आहार में कम ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों को ही शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन 1000 से 1200 कैलोरीज दी जा सकती है। यदि व्यक्ति क्रियाशील है तो 1600 कैलोरीज तक दी जा सकती है। और दोस्तों वसा देखते हैं हृदय रोग में। आहार में वसा तेलों जैसे सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन तेल आदि के रूप में देनी चाहिए, क्योंकि इनमें आवश्यक वसी अम्लों की आवश्यकता अधिकता होती है तथा ये तेल रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त वसा जैसे अधिक वसा युक्त मछली, मांस, अंडा, मक्खन, मलाई, डालडा, वनस्पति वसा आदि की मात्रा आहार में बिल्कुल कम कर देनी चाहिए, क्योंकि इनमें आवश्यक वसी अम्लों की मात्रा कम होती है तथा कोलेस्ट्रॉल अधिक पाया जाता है। इसलिए जब आहार में अधिक प्राणिज भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसका जमाव रक्त धमनियों में होने लगता है तो जो हृदय रोग का एक कारण बन जाता है। कुल ऊर्जा का केवल 20 से 25% भाग ही वसा द्वारा प्राप्त होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है बहुत कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हृदय और संबंधित बीमारियों में हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम लेना चाहिए। प्रतिदिन 300 mg कोलेस्ट्रॉल से अधिक नहीं देना चाहिए। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन का लेना चाहिए। यदि 55 किलोग्राम उसका वजन है तो प्रोटीन 55 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट, आहार में अधिक चीनी ग्रहण करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः आहार में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में दिया जाना चाहिए। खनिज लवण, साधारण मात्रा में सभी खनिज लवणों की मात्रा देनी चाहिए, केवल सोडियम को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, सोडियम को छोड़कर बाकी सभी खनिज लवणों को हमें रोगी को देना चाहिए। गाजर व हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, चौलाई, बथुआ आदि भी सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से थोड़ी सोडियम की मात्रा मौजूद रहती है, अतः प्रतिदिन खाद्य पदार्थों द्वारा 500 mg सोडियम से अधिक नहीं मिलना चाहिए। विटामिन्स, आहार में सभी विटामिन्स का उचित मात्रा में समावेश का होना आवश्यक है। निकोटिनिक अम्ल सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है, अतः इसका प्रयोग दवा दवा के रूप के ही रूप में करना चाहिए। डॉक्टरी सलाह के अनुसार कोरोनरी हृदय रोग में व एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित एक पौड़ व्यक्ति का आहार प्रति ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस प्रकार लेता है। कैलोरी में 1800 और 1800 टू 2000 तक, और वसा आवश्यक वसी अम्लों से युक्त 16 ग्राम, और प्रोटीन 15 ग्राम से 16 ग्राम। और तालिका में देख सकते हैं दोस्तों भोज्य पदार्थ और ग्राम में भोज्य पदार्थ छिलके रहित हो तो 200 ग्राम, वसा रहे दूध हो तो 1000 ग्राम, दाल हो तो 16 ग्राम, पनीर हो तो 15 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जी हो तो 100 ग्राम, अन्य सब्जी हो तो 100 ग्राम, फल हो तो 300 ग्राम, वनस्पति तेल 16 ग्राम, शक्कर जैम 40 ग्राम। नोट, प्रतिदिन एक मल्टी विटामिन की गोली ले देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हृदय संबंधी रोगी को प्रतिदिन एक गोली मल्टी विटामिन की अवश्य देनी चाहिए। खाद्य पदार्थ
किन्हें ली तथा किन्हें वर्जित रखी। हृदय रोगियों को सोडियम आहार का सेवन करना चाहिए। गैस उत्पन्न करने वाली सब्जियां एवं फल जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, मटर, चना, तरबूज इत्यादि वर्जित रखने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अत्यधिक कम देनी चाहिए, 150 से 240 मिलीग्राम प्रतिदिन। अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल अधिक पाया जाता है जबकि सफ़ेद भाग में बिल्कुल नहीं होता है, अतः सफ़ेद भाग का सेवन किया जा सकता है। पीले भाग को गलती से भी नहीं देना चाहिए लेना चाहिए। और बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, इनो पाउडर इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मक्खन, घी, वनस्पति वसा बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, अनाज, स्किम, दूध, वसा रहित मांस लिया जा सकता है। गाढ़ी तेज चाय एवं कॉफ़ी वर्जित रखनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।